परी के जादुई तीन लहंगे। रौनकपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सिंड्रेला की शादी सुरेश नाम के लड़के से बहुत ही अमीर परिवार में होती है। सिंड्रेला खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद उसे पता चलता है उसका पति सुरेश पागल है। उसके चाचा चाची ने चंद पैसों के लिए उसकी शादी एक पागल लड़के से करा दी। हे भगवान, ये मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया। मैं इस पागल के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी उसकी सास मीना और नंद प्रेमा आ जाती है और दोनों सिंड्रेला को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभी, भैया अच्छे नहीं लगे क्या। सुन लड़की, हमें भी कोई शौक नहीं था कि तुझ जैसी भिखारिन को अपने घर की बहू बनाऊं। मैं तुझे इस घर में सिर्फ अपनी और अपने परिवार वालों की सेवा करने के लिए लेकर आई हूँ, समझी। तू बस नाम के लिए इस घर की बहू है। असल में तुझ जैसी भिखारिन की हैसियत इस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, समझ गई। माँ ने बिल्कुल सही कहा है प्यारी भाभी, अब जल्दी से अपने कपड़े बदलो और घर के कामों में लग जाओ, समझ गई। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुरेश सिंड्रेला को देखकर नाचने लग जाता है। ये तो मेरी दुल्हन है ना, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना खेलना, तू बोल क्यों नहीं रही, खेलना। पागल, तू पागल है। सिंड्रेला दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। मीना और प्रेमा सिंड्रेला पर खूब अत्याचार करने लगे। वे उसे घर का सारा काम करवाते और उसे ठीक से खाना तक नहीं देते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, माँ माँ देखो ना भाभी को, मैंने आज ही नया सूट पहनने के लिए निकाला था और भाभी ने इसे प्रेस करते हुए जला दिया। अब मैं क्या पहनूं। सिंड्रेला की बच्ची कहाँ मर गई? यहाँ आ। तूने क्या इस घर को बाप की जागीर समझ रखी है, जो मेरी बेटी का इतना कीमती सूट जला दिया। ध्यान कहाँ रहता है तेरा। माँ, मैंने प्रेस करके अच्छे से रख दिया था, लगता है ये सुरेश जी ने किया है। मैंने उन्हें कपड़े में आयरन करते हुए देखा था, वही प्रेस इस पर रख दिए, तभी ये जल गया। क्या खूब बहाना बनाया है तूने, गलती खुद की और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही है। बेशरम, बहुत हुआ। अब हम तुझे और तेरे पागल पति को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब से तुझे खुद से कमाना होगा, तभी तुझे पैसों की अहमियत समझ में आएगी। मैंने तुझ जैसे भिखारिन के लिए कोई खजाना नहीं रख रखा है, जो अपने पैसे से तुम्हारा और तुम्हारे पागल पति का पेट भरते रहूं। ठीक है माँ, मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है, आप मुझे सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात, मैं आज ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए सिलाई मशीन ले आती हूँ। अब कल से तुझे जल्दी उठना है और घर का सारा काम खत्म करने के बाद सिलाई में जुट जाना है, समझी। अगले दिन से सिंड्रेला सुबह सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई में लग जाती है। सिंड्रेला बहुत ही अच्छा सिलाई करना जानती थी, इसलिए गांव के सभी लोग सिंड्रेला से ही कपड़े सिलवाने लगे। अरे सिंड्रेला बहन, तुम तो बहुत ही अच्छा सिलाई करना जानती हो, तुमने मेरा बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है, ये लो लहंगे के पैसे। क्या रूपा बेटा, उस गरीब को कहाँ पैसे दे रही हो, पैसे इधर लाओ मेरे पास। और तो सुन भिखारी लड़की, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई के एक भी पैसे इधर उधर हुए तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। सारे पैसे मेरे पास आने चाहिए, तभी तुझे इस घर में खाना मिलेगा, समझी। अब जा, जाकर घर का काम कर ले, बाकी की सिलाई रात में कर लियो। भाभी भाभी, वो सब आप बाद में कर लेना, पहले मेरे सिर में मालिश कर दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और मेरे हाथ पैर भी दबा देना, आज मुझे कुछ ज्यादा ही थकान लग रही है। ठीक है प्रेमा, अभी कर देती हूँ। ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर सिंड्रेला से बहुत ही ज्यादा काम करवाते हैं, यहाँ तक कि उसे रात में भी नहीं सोने देते। पूरे दिन उसे घर का काम करवाते और रात में उसे सिलाई का काम करवाते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सिंड्रेला का दिन रात लगातार काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है,
मुझे दवाई ला दीजिए। अरे तेरे तो अब रोज कोई ना कोई बहाने बनने लग गए हैं। हट्टी कट्टी तो दिख रही है, मुझे तो कहीं से बीमार नहीं लग रही। हाँ माँ, अब हमारी प्यारी भाभी का काम करने में दिल नहीं लगता, इसलिए बहाने बना रही है। मेरे से ये चला के बिल्कुल नहीं चलेगी। चुपचाप जा और कपड़े धो, यहाँ खड़ी होकर नौटंकी मत कर। सिंड्रेला बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते सिंड्रेला को चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मीना आती है। ये देखो, महारानी यहाँ आराम फरमा रही है, इसे तो बस सोने के लिए मौका चाहिए। मीना सिंड्रेला के ऊपर पानी डालती है। अरे खड़ी हो जल्दी, यहाँ पर कैसे सो रही है? माँ जी, मुझे चक्कर आ गया था माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर और प्रेमा के पास जा, उसके हाथ पैर में मालिश कर दे। जी माँ जी। सिंड्रेला किसी तरह हिम्मत करके प्रेमा के कमरे में जाती है। आ गई मेरी प्यारी भाभी। भाभी आप सबसे पहले तो मेरे कपड़ों में इस्त्री कर दो, फिर बाद में मेरे पैर दबा देना, सारे कपड़े मेरे खराब हो रहे हैं। और हाँ, इस बार मेरे कपड़े को मत जला देना, पिछली बार तो माँ ने छोड़ दिया था, इस बार घर से निकाल फेंकेंगी। समझ गई ना प्यारी भाभी? सिंड्रेला कपड़े प्रेस कर रही होती है और प्रेस करते करते वहीं जमीन पर गिर जाती है। माँ माँ जल्दी आओ, देखो ना भाभी को क्या हो गया। अब क्या हो गया, इस कलमुही ने तो जीना हराम कर रखा है। मीना जब पास आकर सिंड्रेला को उठाने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठती। ये देखकर मीना डर जाती है। अरे कहीं ये कलमुही मर मरा तो नहीं गई? हे भगवान, माँ अब क्या होगा, भाभी तो मर गई। चुप कर, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हम अभी इसे पास के जंगल में ले जाकर फेंक आएंगे, किसी को कानों खान खबर नहीं लगेगी, कोई पूछेगा तो कह देंगे कि मायके गई हुई है। वाह माँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर सिंड्रेला को एक बोरी में डालकर पास वाले जंगल में फेंक आते हैं। सिंड्रेला को जब होश आता है तो वो बोरी में से मदद के लिए पुकार रही होती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। सिंड्रेला की आवाज सुनकर वो उसे बोरी से बाहर निकाल देती है। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर सिंड्रेला परी को सारी बातें बताती है। तुम्हारी सास और नन तो बहुत ही दुष्ट औरत है, उन्होंने तुम जैसे मासूम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो परी सिंड्रेला को 3 लहंगे देती है। ये लो सिंड्रेला, इस लहंगे को तुम पहन लो, ये जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। और ये 2 लहंगे तुम्हारी सास और नंद के अकल ठिकाने लगाने के लिए हैं, ये तुम उन्हें दे देना। अब तुम अपने घर जाओ। सिंड्रेला परी के दिए पहले लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही सिंड्रेला पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और परी का धन्यवाद करके वो उन 2 लहंगों को लेकर सीधा अपने घर चली जाती है। अरे भाभी आप यहाँ, और ये लहंगा कहाँ से मिला आपको? ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भी एक लहंगा लेकर आई हूँ, पहनकर बताओ कैसा है। वाह भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ। इतना बोलकर प्रेमा लहंगा पहनने चली जाती है। तभी उसकी सास भी आ जाती है। सास कुछ बोलती उससे पहले ही सिंड्रेला कहती है, माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए ये लहंगा लेकर आई हूँ, ये लहंगा आप पर बहुत जचेगा, पहनकर दिखाइए ना। लहंगा? ये लहंगा तो बहुत कीमती है, तुझे कहाँ से मिला? ये लहंगा तो मुझे जंगल में परी ने दिया है, परी ने मुझे 3 लहंगे दिए, एक तो मैंने पहन लिया है, दूसरा प्रेमा को दे दिए और ये आपके लिए। ला दे, मैं अभी प्रेमा को ये लहंगा पहनकर दिखाती हूँ, देखना इस बुढ़ापे में भी मैं ये लहंगा पहनकर तुम दोनों से ज्यादा जवान लगूंगी। जिंदगी में पहली बार तूने कोई बढ़िया काम किया है, मैं अभी पहनकर आई। मीना खुशी खुशी लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही मीना और प्रेमा
दोनों के ऊपर डंडों की बरसात होने लगती है। माँ, माँ मर गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माँ, मुझे बचाओ माँ। आह, अरे मैं खुद बचूं तभी तो तुझे बचाऊंगी ना। हाय, मर गई रे, बहुत तेज लग रही है बेटी। आह, ओए माँ, हाय दैया, बचाओ बचाओ। बहू, बचा ले बहू, इस डंडे को रोक दे, वरना तेरी सास सदा के लिए भगवान को प्यारी हो जाएगी। बहू, बचा ले। हाँ भाभी, प्लीज हमें बचा लो, हम आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अरे माँ जी, प्रेमा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। हे परी, आप मेरी सास और नंद को बचा लीजिए, उन्हें मैं इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती, प्लीज परी जी। तभी वहाँ पर परी आती है। देख लिया दुष्ट औरत, जिसको तुम दोनों माँ बेटी ने मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक आई थी, वही आज तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। याद करो, तुम लोगों ने मिलकर इस पर कितने जुर्म किए, और ये बेचारी तुम्हारे जुर्म को चुपचाप सहती रही। मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को यही डंडे से मार मार कर कचूमर निकाल दूं, लेकिन मैं तुम्हें इस बार वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा कभी सिंड्रेला को परेशान किया तो आज तो ये डंडा रुक गया है, अगले बार नहीं रुकेगा, समझी? इतना बोलकर परी वहाँ से चली गई। मीना और प्रेमा को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिंड्रेला से अपनी की माफ़ी मांगी। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है माँ, आप दोनों जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। इतना बोलकर सिंड्रेला अपने कमरे में जाती है। पागल पागल, मेरे कमरे में क्यों आई है? निकल जा मेरे कमरे से पागल। हे जादुई लहंगे, मेरे पति को ठीक कर दो। सिंड्रेला के इतना कहते ही सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया, और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।